हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो जैसे कि पार्ट वन में मैंने बताया था कि चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है ये क्लास सेवन का। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करेगा और लाइक करेगा। इसका पार्ट थ्री भी मैं बनाऊँगी, तो इसमें क्या बनाऊँ प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। This is the heading of our paragraph. The female silk moth lays egg which has larva, which are caterpillar or silkworm. They grow size and when the caterpillar is ready, enter the next stage of its life, hole called pupa. It first weaves a net to hold here itself, then it swing its head from side to side in the form of the figure of egg. During this movement of the caterpillar secretes fiber mates. तो यहाँ पर कि हमें बताया जा रहा है कि जो सिल्क मोथ हैं वो फीमेल सिल्क मोथ एक्ट करती हैं, जो हैच होके लार्वा बनती है कैटरपिलर एंड सिल्कवॉर्म, आप दोनों भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर कैटरपिलर बन के जब वो प्यूपा और कैटरपिलर जब वो प्यूपा बनने वाली होती है तभी वो अपने हैट को स्विंग करके एक कोकून बनाती है। जैसा कि हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि हमें सिल्क कोकून से मिलता है, वही यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए मेल है, बी फीमेल है, एडल्ट्स ऑफ सिल्क मोथ्स, ये मेल फीमेल्स हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एग दिया है एंड यहाँ पर एक हैच होके लार्वा बन गई है और यहाँ पर एक कोकून बना लिया है। उसके बाद ये डेवलपिंग, यहाँ पर वो हो डेवलप हो रहा है कोकून। तो एंड हम सेकंड पढ़ते हैं, यही है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। देख सकते हैं नीचे भी लिखा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रोटीन विच हैड्स ऑफ एक्सप्लोर द एयर एंड बिकमिंग सिल्क फाइबर सून द कैटरपिलर कंप्लीटेड कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर आर यूज्ड from weaving silk clothes. Can you imagine that the soft of silk yarn is as strong as completable thread of steel? The silkworm thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There are varieties of the silk moths which look very different from another's and the silk yarn. They yield in the different texture, coarse, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा, थर्स तार तारसा सिल्क, मंगू सिल्क, कोसा सिल्क एंड ऑब्डेंस ऑफ द कोकून एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमें सिल्क मोथ प्रोटीन्स वगैरह वगैरह एंड डेवलपमेंट होती है कोकून में। और यहाँ पर कोकून का जो थ्रेड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जिसका याम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसकी जो थ्रेड होती है ना बहुत स्टील, यहाँ पर कंपेयर कर रहा जा रहा है स्टील से। सोचिए बहुत मोटी होती है। अगर आपके मम्मियों के पास होती होंगी सिल्क साड़ी, उस टाइम मैंने बताया था पार्ट वन में साड़ीज़ के बारे में, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, मलबरी साड़ी, बनासम आर्ट साड़ी, एक तो और आती है आर्टिफिशियल जो बिल्कुल सिल्क की तरह होती है बट वो सिल्क नहीं होती है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कोसा वगैरह के बारे में बताया गया है। तो आई होप यू लाइक दिस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। एंड मैं अब से जो मुझे कमेंट करेगा मैं उनका नाम लूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपना नाम बुलवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए थैंक यू।